had powerful belief system. छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है, उसको चेन से महावत बांध देता है, वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, उसके घाव हो जाता है, खून निकल आता है, चेन तोड़ पाता है? यस नो? नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है। अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया, पेड़ नहीं साहब, पांव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है? यस नो? इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। आज डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं भैया राम जी ये दवाई खा लो, दो दिन में एकदम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, दो दिन में ठीक हो जाओगे। राम सोचते हैं अच्छा ऐसा दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूं, और दो दिन में ठीक भी हो जाते हैं। वो दवाई थी? नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी। इसको बोलते हैं प्लसीबो इफेक्ट। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ही आदमी, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू, यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग, यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव एन एंडलेस होप। योर बिलीफ सिस्टम इज राइट। आप जानते हैं उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी, ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में कोई नहीं था, कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा, वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रीय पाल के पास गई, बछेंद्रीय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि सातों पीक दुनिया की पार कर ली, आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है, अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया।